Julie. गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे। अभी मैं छत पे हूँ। थोड़ी देर पहले हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो मैं ऊपर छत पे आ गई क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहा था। इससे थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा मौसम था और अभी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में छत पे मस्त। पीछे ये बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है क्योंकि हमारा जो घर है वो सड़क के बिल्कुल साथ में है, तो इस वजह से नीचे बच्चे खेलते हैं शाम के वक्त। व्यू चेक करिए सबसे पहले। तो अचानक से ठंड बढ़ गई और इतनी तेज हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। मैं रूम चलती हूँ जल्दी से। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि कल मेरे बुआ दोनों आ रहे हैं। वैसे हम लोग लेने जाने वाले थे उनको, बट फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि हम लोग नहीं जा पाए। वो लोग आ रहे हैं रामपुर तक टैक्सी में, तो हमको सुबह सुबह जाना है रामपुर। पापा और मैं, हम दोनों जा रहे हैं, तो इसलिए मेरे को नहाना है क्योंकि गाँव में तो नहाने का भी टाइम नहीं मिलता है। रात के टाइम पे नहा रही हूँ, अभी 7 बज चुके हैं, तो मैं नहा लेती हूँ। फिर उसके बाद कल सुबह सुबह मेरे को और पापा को 4 बजे निकलना है। बुआ दोनों कुल्लू में है, कुल्लू से फिर 4 बजे वो लोग निकलेंगे रामपुर में। हम भी यहाँ से 4 बजे निकलेंगे, फिर 10-11 बजे तक इतने तक पहुँच जाएंगे हम लोग भी रामपुर में। तो मैं नहा कर फिर मिलती हूँ। तो मैं नहा चुकी हूँ और मेरे को नहाने में पूरे 1.5 घंटा लग गया। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह मैं और पापा हम दोनों निकल पड़े रामपुर की ओर। तो सुबह के वक्त टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, इस वजह से मेरे को कुछ भी शूट करने का मन नहीं करा। जहाँ जहाँ पर मेरे को थोड़े बहुत अच्छे सीनरी दिखे वहाँ वहाँ पर मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स शूट करे। एंड चलते चलते हमको बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखी, शोंगटोंग ब्रिज और किन्नौर की सुंदर सुंदर वादियाँ। हमारे को सफ़र करते हुए 2 घंटे हो गए। हम लोग वहाँ से निकले थे 4 बजे एंड टापरी में पहुँचे हम लोग 6 बजे। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है, तो मैं और पापा यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके आगे के सफ़र के लिए चले गए। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया टापरी में और यहाँ पे अभी पेट्रोल डलवा रहे पापा। सफ़र का असली मज़ा तो टापरी से आगे आया क्योंकि उसके बाद मेरा पेट भी भरा होता एंड बहुत ही अच्छी अच्छी जगह थी। बीच में ब्लॉक भी था बट कोई बात नहीं, वो भी जल्दी खुल गया। और 9:20 को फाइनली हम लोग रामपुर पहुँचे। एक चीज़ मेरे को पता चल गई कि पापा बहुत ही फास्ट चलाते हैं गाड़ी। तो हमारी बुआ वगैरह नहीं आए थे तो हम लोग कार सेंटर में पापा का जो कार है वो धुलवाने के लिए लेकर आए क्योंकि गाँव में रह रहकर कार भी बहुत ही काली पड़ गई थी। बुआ वगैरह पहुँचे 11 बजे, कैन यू बिलीव दिस। अने दोनों फाइनली पहुँच गए 11 बजे। झूले बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, बुआ दोनों को लेकर हमको वापस भी जाना है। तो अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश होने के लिए गाड़ी से निकल गए। यहाँ पे थोड़ा चिज्जी वगैरह खाएंगे हमने यहाँ पे लाया है। अब थोड़ा धूप भी छुट गया, अच्छा हो गया मौसम। बहुत गर्मी लग रही थी, एक तो मैं तो टी शर्ट भी लाना भूल गई। बीच रास्ते में हम लोग रुक गए पुल के पास और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं अपना ट्रेडिशनल डिश ड्यू और सत्तू को मिक्स करके। आप भी ट्राई करना कभी। तो अभी हमने अपना पेट पूजा कर दिया है, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फोटोशूट हो गया है, अभी हम दोनों जाएंगे। मैं और आने चुन बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक है। आने फरवा और आवा नहीं आ रहे, तो वो लोग गाड़ी में ही बैठे हैं हमारा वेट करके। अभी हम लोग एक और जगह पे रुक चुके हैं फोटोज खींचने के लिए। वो जगह है ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ किन्नौर। वापस जाती बारी हम लोग रुके रली में, जहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर लंच करके गए। मैं और आने दोनों ने तो मैगी खाया, आवा ने खाली खाया था। कैसा था? बढ़िया था। बढ़िया लगा। अगले बार से पापा यही आएंगे खाना खाने के लिए। घर आने की खुशी है कि नहीं है? थोड़ा सा आने को, घर आने की खुशी है, बहुत खुशी है। तो अभी हम लोग आए हैं पंगी नाला। घर वापस जाएंगे, पता नहीं घर वापस जाएंगे बोल बोल के हर जगह रुक रुक के फोटो खींच रहे हम लोग। अब नहीं रुकेंगे, अब ये गाड़ी सीधे जाके रुकेगी सीधे चांगो तक, सीधे चांगो में रुकेगी।
रैली में लंच करने के बाद हम लोग सीधा निकल पड़े अपने घर को। तो रास्ते में काफी ज्यादा टूरिस्ट आ रखे थे इस टाइम पे, तो चलते चलते हम लोग पहुंचे नाको में। नाको में शाम की चाय तो बनती थी, तो पापा और बुआ दोनों ने नाको में चाय पिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रुके, फिर उसके बाद हम लोग गए सीधे चांगू की ओर। जैसे जैसे पहुँच रहे थे मैं तो बहुत खुश थी। तो हम लोग पहुँच गए घर। How you feel? तो अभी यहाँ पे सामान निकाल रहे सारा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? एपो एपो तो अभी हम लोग घर पहुंच गए और मिलना जुलना हो गया। अभी ये सारा सामान जो है वो शिफ्ट करना है ऊपर वाले कमरे में, जहाँ पे बुआ दोनों के लिए कमरा बनाया है। कैसे लग रहा है कछुआ? तो ये नया कुत्ता हमारे घर में आया है, इसको हमने नया लाया है। कार्चू अभी हमारे मामा के पास है मनाली में, तो पता नहीं अब कब मिलेंगे हम उनसे। वो ये भी बहुत प्यारा है, लग बना। A few moments later. ये जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आने यू कैसे लग रहा है? आने नहीं जू गिरी था। आने सूख डाले। पारो पारो था। ये लाम दिमो। तो अभी 9:30 हो चुका है और हम लोगों ने सबने डिनर कर लिया। अभी हम लोग आने दोनों का सामान शिफ्ट कर रहे थे, मतलब ऊपर बेडरूम में, और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बहुत खतरनाक रास्ता है देखो। तो अभी हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो हमारी प्यारी बिल्ली। बिल्ली बहुत पसंद है। देखो हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे अभी, तो अभी ये सामान अपने अपने जगह पे रखेंगे। तो गाइस आज का व्लॉग काफी लंबा हो गया मेरे ख्याल से, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी बहुत कुछ, बट अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। बाय, गुड नाइट। Bye. Bye. Good night. Next vlog.